حسنة حسنة ألف الآخر حسنة لقينا عذاب النار ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة بل في الآخرة حسنة بقينا عذاب النار ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر जुमरात का दिन 24 अक्टूबर, आज का लाइव ज़ियारत है माशाल्लाह से। आज का ये 24 अक्टूबर का जुमरात का ये पूरा लाइव अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तों, और काफ़ी क्लियरिटी के साथ मैं आप लोगों को पूरा तवाफ का अपडेट दूंगा। साथ ही साथ आगे जाके देखें माशाल्लाह से ये अभी हतीम के अंदर का ये लाइव ज़ियारत है। अल्लाह पाक सभी को इस घर में ज़ियारत करना नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह सुम्मा आमीन। तो आप लोग जरूर जरूर दोस्तों कमेंट करें, और कल और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और कल जुमा का दिन का पूरा अपडेट आएगा तो उसके लिए जरूर जरूर कमेंट करें, दुआ के लिए बोले। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखें भी हजरत अरसद का एक पूरा सा अच्छा एकदम क्लिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जूम करके पूरा एक एक वीडियो। यहाँ पे आगे काफी ज्यादा क्राउड अभी देखें चारों तरफ का माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सभी की सारी जायद दुआएं कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों इसी तरह डेली मैं अपडेट लाता हूं और चारों तरफ का मैं आप लोगों को व्यू कराता हूं और फुल अपडेट देता हूं आगे से लेके पूरा पीछे तक का कॉर्नर का हर जगह का व्यू मैं आप लोगों को अपने चैनल इस चैनल पर दिखाता हूँ। तो आप लोग जरूर जरूर वीडियो को पूरा देखें, कम से कम आज का 24 मिनट का वीडियो रहेगा तो 7-8 मिनट तक जरूर जरूर वॉच करें, और 300-400 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करें। वीडियो अच्छी लगे जरूर जरूर दोस्तों लाइक करें। तो माशाल्लाह से यहाँ से अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अल्लाह पाक सभी की सारी जायज दुआएं कबूल अता फरमा। जो कल का जो जो कमेंट आया वो भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग अपना कमेंट सुनकर जाएं, और जो बयान के बाद भी मैं कमेंट लेता हूँ तो वहाँ उसके लास्ट में भी कमेंट बोलता हूँ तो वो भी सुने। तो सबसे पहला कमेंट आया अशफाक अंसारी, उन्होंने लिखा माशाल्लाह जरूर दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह इनके कमेंट में 15 लाइक है तो 15 लोगों ने आमीन भी बोला है। तो आप लोग भी एक दूसरे को इसमें लाइक कर दें और आमीन बोल के जाएं, उससे एक दूसरे को हेल्प हो जाएगी दोस्तों, क्या पता किसका आमीन कबूल हो जाए। अभी यहाँ पे आप देखें कि सफाई चालू है काफी स्पीड में, देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें चारों तरफ का जो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मैं आप सबको डेली मस्जिद अल हरम का पूरा लाइव ज़ियारत करता हूँ चारों तरफ का, एक दिन का फुल अपडेट देता हूँ अंदर से लेके बाहर का, और जो डे का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दिन का वो थोड़ा सी शॉर्ट में रहता है, और नाइट का जितना भी वीडियो रहता है मगरिब के बाद का वो लॉन्ग में दिखाता हूँ पूरा अपडेट, इसी वीडियो में मिलेगा आप लोगों को आगे। तो आप लोग पूरा अच्छे से देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे से, और चारों तरफ का ये अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक सभी की सारी जायद दुआएं कबूल हो पाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो जो लोग उमरा पे आए हुए हैं उनका हम सब तमाम उमरा कबूल अता फरमाए, आमीन। जो लोग आ चुके उनको बार बार आना नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे आप देखें तवाफ का ये अपडेट, उसके बाद ये थोड़ा सी ब्राइटनेस स्लो हुआ, अभी नेटवर्क का जब जब इशू होता है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच देखने को मिलता है, हर जगह का अपडेट देख रहा हूँ। यहाँ पे देखें जनाजा जा रहा है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे मस्जिद हरम में जनाजा होते हैं यहाँ पे देखें, देखें कितना क्राउड है, और अभी ये सब जा रहे हैं, गाड़ी आगे होगी, गाड़ी का भी मैं अपडेट दूंगा, मैं सब जाएंगे अभी देखें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
देखिए चारों तरफ अपडेट में दे रहा हूँ दोस्तों आपको। तो ये गेट नंबर 79 से मैं अभी बाहर की तरफ जाऊंगा और पूरा आप लोगों को अपडेट दूंगा। यहाँ से देखिए काबा शरीफ का भी व्यू दिखता है चारों तरफ का, और यहाँ से देखें चलते हैं अभी बाहर साइड और बाहर का आपको अपडेट देते हैं। तो माशाल्लाह से अब रोड साइड का, और यहाँ से मैं काफ़ी पूरा आपको स्ट्रीट सब के टैक्सी वगैरह जो खड़े हैं मक्का में देखें। और ये जो प्रेयर रूम का मैंने पिछली वीडियो में वीडियो बनाया, जो सामने वाली बिल्डिंग है तो उसका मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, जो ऊपर देख रहे हैं ये प्रेयर रूम जो बना हुआ है मैंने इसका अंदर का पूरा एक एक अपडेट दिया है पिछली वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आते टाइम देखें दोबारा हरम शरीफ की तरफ जाने में यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह आते हैं, जो जमजम वगैरह पानी की बोतलें, और देखें माशाल्लाह तकसीम होता है क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र हो जाता है लोगों का होटल से लेके फिर अपने हरम शरीफ में जाने तक का। और माशाल्लाह से आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये जो गाड़ी है अभी यहाँ पे देखें माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कल की वीडियो के लिए, और ये थोड़ा बयान है तो ज़रूर सुने, और कम से कम दोस्तों 8 मिनट तक वीडियो को वॉच करें, और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। चेहरों पर अपने अपने बंधुओं पर लगा लेते बरकत के तौर पर, बल्कि मुसलमान बढ़ बढ़कर इसको अपने हाथों पर ले लेते थे, और अगर हाथ में इतना पानी आ जाता कि इसे पिया जा सके तो इसे पी लेते, और अगर कम होता तो इसको अपने जिस्म पर मल लेते। मुश्किन मक्का ये मंजर देख रहे थे और कह रहे थे कि हमने आज तक ना देखा और ना सुना कि कोई बादशाह इस दर्जे तक पहुंचा हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में आकर बैठ गए और लोग आपके गिर्द वो पेश जमा हो गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर गए और कुछ देर में अपने बाप का हाथ पकड़े हुए लाए। इनकी बिनाई जाती रही थी। हजरत रहमतुल्लाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इनको देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुमने इन बुजुर्ग को घर पर ही क्यों ना रहने दिया ताकि मैं खुद इनके पास पहुंचता। ये फरमा कर अगर इन बुजुर्ग को घर पर ही छोड़ देते तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद इनके पास जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि खुद चलकर आपके पास हाजिर हूँ बजाय इसके कि आप तकलीफ फरमा कर इनके पास जाएं। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर बिठाया। आपने इनके सीने पर अपना दस्त मुबारक फेरा और फरमाया कि मुसलमान होकर इज्जत और सलामती का रास्ता इख्तियार करो। वो इसी वक्त मुसलमान हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके वालिद के इस्लाम पर मुबारकबाद दी। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रहमतुल्लाह अलैहि अर्ज़ किया कि कसम इस ज़ात की जिसने आपको हक़ व सदाकत के साथ जाहिर फरमाया कि मेरे वालिद अबू कहाफा इस्लाम के मुकाबले में अबू तालिब का इस्लाम मेरे लिए ज्यादा खुशी और सदत का सबब होता, और इसी तरह अबू तालिब का इस्लाम खुद आपके लिए ज्यादा इत्मीनान और मुसर्रत का सबब होता। यानी कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सासम को साहबा को अल्लाह के नबी सासम से। इससे पहले जो रिवायत थी वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी कि उन्होंने ये बात हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया क्या आपका इस्लाम लाना मेरे नज़दीक जो है वो मेरे बाप खत्ताब से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि आपका इस्लाम लाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज़्यादा मुसर्रत और खुशी होती। साहबों को ज़बरदस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है लगाव और ताल्लुक और मिसाल पेश नहीं कर सकते, कयामत तक के लिए ऐसा आपसे ताल्लुक था। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हजरत अबू कहाफा का सर और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। आपने देख कर फरमाया कि इन दोनों यानी सर और दाढ़ी के बालों का रंग बदल दो और स्याही से बचो,
यानी सिया खिजाब मत करो। एक रिवायत में यूं है कि सिया रंगने से परहेज करो कि बुढ़ापे के आसार। एक हदीस में ये है कि बुढ़ापे के आसार को बदल दो और यहूदियों और नसरानियों से मुशायबत ना पैदा करो। अल्लाह जल्ले शानू में दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह जल्ले शानू पूरे आलम के मुसलमानों को आफियत अता फरमाए और जो अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता फरमाए, अपनी जिंदगी खुशवार जो अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया ईमान और अमाल पर, अपनी जिंदगी ईमान और अमाल वाली बनाने की हमें तौफीक अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते मन अमिला सवाल मिन ज़कर व उनसा व हुवा मुमिन फौला फला युह। अल्लाह फरमा रहे कि जो ईमान लाए और नेक अमाल करे, अल्लाह जल्ले शानू जो है चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, और अल्लाह ने ईमान शर्त करा दिया वह हुआ मोमिन, فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। اللہ فرما رہے جو نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ، تو اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو جو پاکیزہ زندگی دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، جگہ جگہ اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن کے اندر، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں اس کے اثرات اللہ دیں گے، اس کا پورا پورا بدلہ اللہ فرما رہے کل قیامت میں ملے گا۔ تو اللہ جل شانہ کا سب سے پہلے دنیا کا وعدہ ہے کہ پاکیزہ زندگی دیں گے، عزت دیں گے، دنیا کی جو اللہ تعالیٰ راحت دیں گے، سکون اور عافیت دیں گے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر۔ تو اپنی زندگی جو ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے حقیقی طور پر ان اعمال پر جو ہے اللہ جل شانہ نے وعدے فرمائے، اس حقیقی طور پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ اللہ فرماتے اللہ نے سب سے پہلے دنیا کا وعدہ فرمایا فی الحیات دنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور کل قیامت میں فرشتے اس کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ حقیقی طور پر ہمیں ایمان اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ جو وعدے اللہ اس کے رسول نے فرمائے اس کے وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں گے۔ شرط یہ کہ اپنی نیت کا خالص ہو، اپنا عمل جو ہے وہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو، علم کی روشنی میں ہو، اسی لیے کتابوں کا مطالعہ کرے، علم کو حاصل کرے۔ اللہ جل شانہ نے بے شمار جو حج عمرے پر وعدے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک جگہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اذیباکی من بلدوں احبکی الیہ ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنتو غیرکی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا خلاصہ حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تو کتنا بہتر شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو تیرے سوا کسی دوسری جگہ قیام نہ کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے، نیز ان حدیث کی وجہ سے جن میں مکہ کی ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ آیا ہے۔ ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سارے شہروں سے افضل ہے اور وہاں قیام کرنا مستحب اور افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک نماز ایک لاکھ شمار کی ہوتی ہو تو پھر کون ہے جس کو یہ مرغوب نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بڑے اکابر وہاں کے قیام کو پسند نہ فرماتے تھے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا قیام صحابین کے لیے یعنی مقربین کے لیے نزدیک مستحب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہم حنابلہ کا
मुख्तार का, लेकिन इमाम अबू आजम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वहां के मुस्तकिल क़याम को मकरूह फरमाते हैं। एक बड़ी जमात का मुहताद लोगों में से यही मजहब है। मुबादा वहां रहकर आदमी को वहां से कोई गिरानी और मलामत पैदा हो या इसके एहतराम में किसी किस्म की कमी हो जाए या वहां रहकर आदमी से किसी किस्म का गुनाह सादिर हो जाए, जैसा कि वहां की नेकियों का सवाब है ज्यादा है, ऐसे ही वहां रहकर गुनाह करने का वबाल भी बहुत सख्त है। लेकिन अल्लाह के वो मुखलिस बंदे जो गुनाहों से मोहतरज हों, इनके लिए अफजलियत में क्या कलाम है, लेकिन वो इतनी कलील मकदार है कि इन पर हुक्म लगाना भी ऐसा है जैसा आम मखलूक में बादशाह। लेकिन पारसाई का झूठा दावा करने वालों का एतबार नहीं, कि वैसे तो हर शख्स अपने को यही कहता है कि मैं वहां के रहने की शरायत पूरे कर सकता हूँ। दावा बहुत सहल है। उलमा ने लिखा है कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने के लोगों के हालात के लिहाज से करहात और नापसंदगी का इजहार फरमाया। अगर वो इन हालात को देखते जिनको हम अपने जमाने में देख रहे हैं तो वहां के क्याम के हराम होने का फतवा दे देते। यानी ये उलमा में बड़े उलमा है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह 1014 हिजरी में वफात पाई। जब ये अपने जमाने का ये हाल फरमा रहे हैं तो आज 14वीं सदी के आखिर का जो हाल होगा वो अजहर मिन शम्स है। फिर मक्का शहर के एतबार से वहां के फजाइल जो उलमा ने बयान किए, वैसे तो मक्का मुकर्रमा सारा ही बाबरकत है। इसकी हर जगह, हर दर दीवार, हर पत्थर और हर रेत का जर्रा 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 बाबरकत है, लेकिन चंद मकामात और भी ज्यादा खसूसियत रखते हैं जिनमें से बाज इस फसल में गुजर चुके हैं। मुस्तकिल हदीस इनके फजाइल में लिखी जा चुकी है। इनके अलावा वो हजरात हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौलत कदा है, यानी वो मकामात गिना रहे हैं जहाँ हजरत फातिमा जोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा सब औलादे यही पैदा हुई। हिजरत तक हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इसी मकान में रहा। उलमा ने लिखा है कि मस्जिद हराम के बाद मक्का के तमाम मकानों में ये मकान अफजल है। दूसरे हुजूर अकदस सल्लम की पैदाइश की जगह जो मौलद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। तीसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का वो मकान जो जुरकाक सिवागीन जर घरों की गली में है, इसको दारुल हिजरत भी कहते हैं, इसलिए कि हिजरत की इब्तदा इसी मकान से हुई। हिजरत से कबल हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना यहाँ तशरीफ लाया करते थे। वहां दो पत्थर थे, एक का नाम मुतकल्लिम है, इसने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था। दूसरा मुतका है जिस पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे। मौलद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली करमल्लाह वजह की पैदाइश की जगह दारुल अलकम जो दारुल खैर से मशहूर है, सफा पहाड़ के करीब है। दारुल अलकम जैद बिन अलकम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था। इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए थे और 40 का अदद आपके यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने पर पूरा हुआ था। और कुरान पाक की आयत या अय्युन नबी हसबुकल्लाहु वमन तबाअका मिनल मुमिनीन इस पर नाजिल हुई थी। इसी में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा इस्लाम में मख्फी रहा करते थे। जबल सुर्ग गार जिसमें हिजरत के वक्त हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पोशीदा हुए थे 3 दिन तक। कुरान पाक में सानियस नहीं हिजुमा फिल गार में इस गार का जिक्र है। जबल हीरा इसके बाद जबल हीरा है, जबल हीरा का घर है जिसमें हुजूर अकदस सासम नबुवत से पहले कई कई दिन तक इबादत किया करते थे और तन्हाई इख्तियार फरमाया करते थे। और इसी में सबसे पहले आप पर इकरा नाजिल हुई। सबसे पहले कुरान की आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम
अल्लाह वल इंसान मालम यालम, अल्लाह जिन्ने शान और इल्म की अजमत को सबसे पहले जो कुरान की इब्तिदा हुई अल्लाह ने इल्म की अजमत को बयान किया। आपने अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अपने रब का नाम लेके पढ़िए जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से बनाया, और अपने रब का नाम लेके पढ़िए जो बड़ा रहीम है। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से इंसान को इल्म अता फरमाया। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लाह ने फरमाया इल्म के जरिए से इंसान को इल्म अता फरमाया। अल्लम अल इंसान मा लम यालम, इससे पहले इंसान जाहिल था तो अल्लाह ने जो इल्म की अजमत को अल्लाह ने बयान फरमाया। इसके बाद मस्जिदें अल्लाया है मक्का में मोहल्ला की तरफ है, मक्कतुल मोहल्ला की तरफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नमाज पढ़ाई है। मस्जिदुल जिन है जिस जगह जिन्नात का इज्तिमा हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इस जगह तशरीफ ले गए, और हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक जगह बैठा कर खुद आगे तशरीफ ले गए और जिन्नात को तालीम फरमाई, कुरान पाक सुनाया। मस्जिद अल शौरा है जो मस्जिद जिन के मुकाबिल है, इस जगह एक दरख्त था जिसको हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और वो जमीन को चीरता हुआ हाजिर खिदमत हो गया। फिर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापिस चले जाओ, वो अपनी जगह वापिस चला गया। मस्जिदुल गनम जिसको मस्जिदुल जायबा भी कहते हैं, इस जगह हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का में बैत ली थी। मस्जिद इजाद है, मस्जिद जबल अबू मस्जिद अबू कुबैस जो हरम शरीफ से नजर आती है, लेकिन इस जगह बकरी की सिरी के खाने के मुतालिक जो रिवायत मशहूर है वह गलत है। मस्जिद नबी मस्जिद तुआ जो तनीम के रास्ते में है, रहमत दो आलम सासम जब उमरा या हज के लिए तशीब आवरी हुई तो इस जगह कयाम फरमाया। तो माशाल्लाह से आज का वीडियो पूरा अपडेट कंप्लीट हुआ। 24 अक्टूबर का ये आज जुमरात का जितना भी मैंने वीडियो आप लोगों को बनाया, अभी ये मगरिब के वक्त का ये पूरा एक लाइव, सॉरी ईशा के वक्त का ये लाइव है। जितना भी मैंने अपडेट आप लोगों को दिखाया, मगरिब का भी दिखाया, मगरिब के बाद के अभी मैं आप लोगों को पूरा एक अपडेट दिखाया आज का। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और तो कल की जो जुम्मा का वीडियो फुल अपडेट में आएगा और फुल बयान में आएगा, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हर एक आप लोगों का कल का मैं अपडेट दिखाऊंगा, खुतबे से लेके पूरा जुम्मे की नमाज तक का। तो कल का काफ़ी ज़्यादा अपडेट आएगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। इंडिया के टाइम से 7:20 से लेके 7:25 के वक्त मेरा वीडियो जो अपलोड होता है दोस्तों, और थोड़ा सा अगर नेटवर्क का इशू रहा तो 10-15 मिनट लेट भी हो सकता है। वैसे मेन टाइम है इंडिया का जो 7:20 जो टाइम है शाम के वक्त का, मगरिब के बाद का इंडिया का टाइम, उस टाइम पे आएगा वीडियो। ये लास्ट का ये मिनट है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट कर दिया करें, चाहे मैं वीडियो में बोलूं चाहे ना बोलूं। वीडियो में बोलना इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप लोग कमेंट करें, आपका कमेंट का मैं जवाब देता हूं और दुआ के लिए भी करता हूं। अल्लाह पाक सभी की सारी जायद दुआएं कबूल अता फरमाएं। आप कमेंट करके जाएं, डेली करें। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे एक एक माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी यहां पे पीछे साइड से मैं हरम शरीफ का कुछ वीडियो है जो आगे थोड़ा सी नेटवर्क के इशू के कारण ये आगे हो गया है, कुछ डे का कुछ ये वाला वीडियो था दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से पूरा वीडियो, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।